चलो फिर चलते गणपति बप्पा मोरिया। तो आज मैं जा रहा हूँ गैरेज में। एक्चुअली यूनिकॉर्न में काफी काम आ गया है। एक पीछे मैंने बैक रेस्ट लगाया था तो वो काफी वाइब्रेट कर रहा है, उससे वेल्डिंग करवाना होगा मुझे। और मैं जा रहा हूँ अभी गैरेज में कांजुरमा वेस्ट में, मेरा दोस्त एक रजत चौरसिया करके, तो उसके गैरेज में जा रहा हूँ, उससे वो बोलूंगा। और एक फ्यूल पंप भी लगाना है, और वहां पे अनिकेत भी आएगा, उसके भी बाइक में मोबाइल होल्डर लगाना है। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दोपहर के बज रहे 4:15, तो हम निकल रहे हैं। इतने से रोड पे भी ट्रैफिक जमता है, ये देखना भाई बीच में क्या कर रहा है रे तू। ये देखो कहां पे भी किधर भी ट्रैफिक जाम कर देते लोग। तो कैसा लग रहा है काला घोड़ा हमारा? पिछले बार ये स्टिकरिंग कराया था, काफी अच्छा था, अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, दोस्तों ने काफी अच्छा एनकरेज किया, अच्छा स्टिकरिंग किया है। ओ भाई साहब, तो मेरे जिसको पता नहीं है कांजुरमार्ग कहाँ है, तो मैं विक्रोली में रहता हूँ, तो मैं गांधीनगर होके जाऊंगा कांजुरमार्ग। कांजुरमार्ग उमा मॉल के पास में ही है मेरा दोस्त के गैरेज। आज ऐसे भी रैंडम रॉ, एकदम रॉ वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता नहीं कैसे क्या बोलना है, नो स्क्रिप्टेड, तो थोड़ा सा करेक्शन होगा तो प्लीज हैंडल कर लेना। और सपोर्ट करो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करो यार चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं आगे भी वीडियो नई नई लाते रहूंगा। मुझे एक्चुअली ये जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो मुझे इसमें चार्जिंग सॉकेट बिठाना है, ओनली चार्जिंग सॉकेट, मुझे मोबाइल होल्डर की जरूरत नहीं है। मोबाइल होल्डर मुझे इतनी जरूरत नहीं, एक्चुअली मोबाइल होल्डर भी सेफ नहीं है, मोबाइल कभी भी गिर सकता है और बहुत वाइब्रेशन होता है उसमें, तो मोबाइल का डिस्प्ले जाने का बहुत चांसेस रहता है, इसलिए वजह से मैं नहीं लगाना चाहता हूँ। ओनली यूएसबी सॉकेट लगाना चाहता हूँ, ओनली फॉर चार्जिंग, कभी गोप्रो को चार्ज करना होगा तो, इसलिए मुझे चार्जिंग सॉकेट लगाना है। और बाकी विक्रोली में बहुत ठंडी, मुंबई में ठंडी काफी बढ़ गई पिछले 3 दिन से, और ये हमारा गांधीनगर आ चुका है। ये लेफ्ट साइड में हमेशा पुलिस ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा रहता है एनी टाइम, तो देखते हैं रहेगा कि नहीं। सिग्नल लगा हुआ काफी बड़ा हो रहा, वहां पे भी एक ट्रैफिक। काफी लोग हेलमेट को देखते रहते, कैमरा को, कैमरा करके करता क्या है, लोग देखते रहते ऐसा घूर घूर के जैसे कि कभी किसी ने देखा नहीं है। चलो मैं भी चलता हूँ, सिग्नल लग चुका है, उधर सा गेड़ी मार देता हूँ। अरे यार ये मेट्रो का काम चल रहा है ना, काफी इधर ट्रैफिक जमता है, कितने साल से काम चल रहा है, जब तक ये मेट्रो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक ये ट्रैफिक जाम ही रहेगा, क्योंकि ये पूरा ब्रिज बन रहा है ना, इसकी वजह से काफी रास्ता रोका गया है। ये हमारा 7-स्टार होटल अभी तक बंद पड़ा है काफी दिन से, काफी सालों से बंद पड़ा है। एक्चुअली शुरू में काम शुरू हुआ तो काफी टाइम से चलते ही जा रहा था और इतना हाईफाई दिख रहा था, अभी तो बंद ही है, कुछ 2 साल से बंद है, पैंडेमिक से पहले से बंद है। और ठंडी में अच्छा राइडिंग करने का मजा आता है, और गर्मी में तो पसीना इतना आता है उसकी वजह से राइडिंग करने का मन ही नहीं करता है। और मैं भी देखो शाम के 4 बजे जा रहा हूँ, इवनिंग के वीडियो बनाने निकला हूँ। ये हमारा गांधीनगर सिग्नल, यहाँ पे भी देखो एक रास्ता बंद कर चुके हैं और मुझे लेना है राइट।
और वैसे काला घोड़ा काफी यूनिक दिखता है, लोग देखते हैं यूनिकॉर्न 160 समझते नहीं है इसको। मैं एक्चुअली फुल्ली मॉडिफाई करा चुका हूँ, कंपनी जैसे देती है वैसा बिल्कुल नहीं, इसका हैंडल वगैरह सब कुछ चेंज है और मैंने ये प्रोटेपर भी लगाया, काफी यूनिक दिखता है। और फैट बॉय रोशन चैनल स्टिकरिंग काफी अच्छा लग रहा है, यूनिक एकदम, नाम ही एक नंबर है भाई, मैं भी एक नंबर हूँ भाई, तो अच्छा लगेगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, I am फैट बॉय रोशन। अरे सिग्नल कितना लंबा लगता है यार यहाँ पे, चलो सिग्नल लग चुका है तो चलते हैं कांजरमार्ग की ओर। ये गाड़ी काफी यूनिक है, चली कि नहीं चली मार्केट में क्या पता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है बाइक, इसमें से साउंड भी आता है, मैंने इसका रिव्यू देखा था, काफी घूम करके साउंड आता है। हम तो भाई बूस्टर लगाते हैं भाई बाइक में, हमें पहले से पैदाइश साउंड चाहिए। रास्ता भी कितना खराब है यार यहाँ पे, मेट्रो की वजह से काफी सब जगह रास्ता का शक्ल बिगड़ा हुआ है। और ये हमारे सामने से ट्रेन जा रही है भाई, मुझे मत ठुकना भाई, मुझे मत ठुकना। अरे लो मैं यहाँ से राइट टर्न मार लूंगा और हमारे गैरेज आ चुका है, सिग्नल लग गया है और मैं राइट टर्न मारूंगा और अपना रजत भाई का गैरेज। एक्चुअली रजत काम करता है वहाँ पे, तो अच्छा काम करता है, अपना समझ के अच्छा काम करता है, अच्छी फिटिंग करता है बाइक की, इसके लिए मैं वहाँ ही जाता हूँ। ये देखो आ चुका है रजत का गैरेज, ये रात क्या रे चने क्या लगा, ये देखो शक्ल देख लो इसकी, ये ले इसके अंदर जो रास्ता गया वो कैसा बैक रेस्ट हिल रहा है, ऐसा हिलता है क्या, टूट गया रे, वही तो बोल रहा हूँ, सो वेल्डिंग कराना पड़ेगा, ऐसा एकदम मजबूत कैसी मारना पड़ेगा ऐसा इधर तक है ना, तो चल चल फिर जल्दी, कोई वजन देता ना इसलिए टूट जाता है। इधर तो वेल्डिंग मार के इधर डालना पड़ेगा, वेल्डिंग मार के कैसी एकदम मजबूत मरवाने का, इधर भी एक रोट, ये पहले इसको पीछे ले ले, बाद में होएगा नहीं वेल्डिंग। हाँ अरे वो खोले बंद करेगा कैसा, ये लगेगा ना हाथ में, कहाँ तेरा दिमाग आता है, वो बाद में खुलेगा क्या, क्या बाद में ये खुलेगा क्या, यहाँ से आगे पीछे होएगा देखते। वेल्डिंग कराने के लिए भांडुप जाना पड़ेगा वेल्डिंग कराने, वो सही से देखा वीडियो में बैक रेस्ट एक्चुअली एकदम क्रैक हो चुका है, वन नट पे था, पूरा प्रेशर आया था उस पर तो पूरा क्रैक हो चुका था, तो अभी जाते हैं हम लोग फटाफट वेल्डिंग कराते, फिर वहीं से फ्यूल कप लेते, फ्यूल पंप लेते और चार्जिंग USB पोर्ट मिलेगा तो वो भी ले लूंगा मैं वहां से भांडुप से। हमारा काला घोड़ा यही क्रैक हो चुका है, देखो क्रैक हो चुका है एकदम, और ये वेल्डिंग करना है अभी, एकदम अच्छा खासा वेल्डिंग होने वाला है इधर, मजबूत वेल्डिंग। इधर भी ये नटबोल खोल रहा है, यहाँ पे भी हमारा काम चालू है। लिया ग्रिप वाले भाई ने एकदम सस्ता सा जुगाड़ कर दिया है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगवाया जॉइंट करके एक्सटेंशन, और ये रजत कुछ बोल नहीं पा रहा है भाई, इसका भाई का वीडियो रजत देखो सबसे खड़ा, इधर भी एक फिक्स कर दो ना, एक टोचा मार दो ना, फिक्स टोचा मार दो एक परमानेंट, अरे टाइट कर पड़ा तू थोड़ा बहुत सब बोल लगा के टाइट कर, हो जाएगा यार, डेंजर रूट है, कितना स्लोप है रे, कितना स्लोप है,
तो वेल्डिंग का काम हमारा पूरा हो चुका है, अभी गैरेज पे जाके फिटिंग करेंगे, थोड़ा अच्छे से नट बोल्ट टाइट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा ऐसा नॉर्मली टेम्पररी फिटिंग किया है, बाकी वेल्डिंग का काम काफी अच्छा हुआ, एकदम मजबूत हो गया। अभी मैं जा सकता हूँ कहीं पे भी टूर पे, तो 30-35 किलो तो आराम से उस पर बांध सकता हूँ मैं पंचिंग बैग से, तो काफी मजबूत काम हुआ है। अभी मैं चार्जिंग यूएसबी पोर्ट लेने जा रहा हूँ, कभी भी सफर में चार्जिंग के लिए यूज होता है, कभी भी इमरजेंसी के लिए। और मुझे एक पेट्रोल कॉक भी लेना है, अभी पेट्रोल कॉक लेने ही जा रहे। इसमें जो पेट्रोल कॉक लगा है वो स्कूटी का लगा है, तो स्कूटी ना एक्चुअली डायरेक्ट पंप होता है, तो उसमें कोई कॉक नहीं रहता, ऑन ऑफ रिजर्व वगैरह कोई कॉक नहीं रहता है। दैट्स व्हाई यार लोग कहीं से भी कैसे भी घुसते यार ये रोड पे, यार परेशान कर देते, किधर से भी घुसते लोग, कोई रास्ता ही नहीं है आगे पीछे, कुछ आगे पीछे किधर जाने का रास्ता ही नहीं है, लोग किधर भी कैसे भी घुसे रहते हैं, इसलिए रूट ही नहीं बना है प्रॉपर। क्या बोलता बड़े, कितना वेट किया? अरे उधर एक्सीडेंट हो गया यार बस का, ये देख तो। चलो आ जाओ, चलो भाई। शाम के कितने बजे आया था मैं? 3 बजे आया था। हाँ बैठो ना, पौने 4 बजे आया था और शाम के 6:30 बज रहे हैं, अभी निकलने का वक्त हो गया घर से, काफी लेट हो गया है। लाइट लगा देता हूँ, अनिकेत भी आया था बेचारा, काफी देर से खड़ा था, हम लोग वेल्डिंग कराने चले गए थे और उसने क्या कर दिया, दूसरे लड़के ने उसका चार्जिंग होल्डर जला दिया, बहुत दुख हो रहा है मुझे भी, बस जाने दो, क्या कर सकते हैं, अभी हो गया तो हो गया, अनिकेत को भी मिल लेना था। और मैंने ये चार्जर होल्डर भी लगा दिया हूँ और चार्जिंग केस और पेट्रोल कॉक लगा दिया हूँ गाड़ी में। पेट्रोल कॉक का बहुत इश्यू था इसमें, तो पेट्रोल कॉक लगा दिया ऑन ऑफ वाला, अभी जब भी पता चलेगा गाड़ी पेट्रोल रिजर्व में तो रिजर्व में पता चलेगा। तो ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ, ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, चलो मिलते हैं फिर कभी।